तो फ्रेंड धन निरंकार जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैं प्याज लूँगी, 400 ग्राम प्याज है ये जो मैंने तड़ा है। ये कटहर मैंने लिया है, आधा किलो कटहर, इसे मैंने छील कर अच्छे तरह से काट कर धुल के रख लिया है। और ये लहसुन है, 4 पोटी मैंने लहसुन लिया है। ये कुछ सूखी हुई हरी मिर्च, अदरक और एक प्याज मैंने बड़े बड़े आकार में काट लिए, इसे मैं पीस के डालूंगी। मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है, ये नमक है, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, ये मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग, दालचीनी, जायत्री, जायफल, ये सब लिए हैं। और ये है मिर्च है, मैंने इसे पीस लिया है। और ये हल्दी है, और ये मैंने राजस्थान मसाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सब्जी में राजस्थान मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस खाने बहुत ही टेस्टी रहता है। और ये मैं सरसों का, कच्ची धनी सरसों का तेल यूज करती हूँ सब्जी में। इन सब मसालों को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ये लहसुन, ये प्याज और ये मिर्च और अदरक, बाकी मैंने पीस लिया है मसाले को। और देखिए मैंने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है, सारे मसाले अच्छे से पीस गए हैं। इसे मैं कटहर की सब्जी में कुकर में बनाऊंगी। मेरा कुकर गर्म हो गया, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। कटहर की सब्जी में तेल जरा ज़्यादा ही लगता है। जैसे मेरा तेल गर्म जाएगा मैं इसमें इसमें मैं तेज पत्ते पहले डालूंगी, इसमें प्याज डालूंगी, प्याज को मैं थोड़ा डालू में से भूनूंगी। अब देखिए हमारा प्याज भून चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी, जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। इसमें जरा सा पानी लूंगी, तो मिक्सी को जार को अच्छे से मैं धुल के इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मैंने जरा सा मिर्च रखा हुआ था, और जरा सी हल्दी, और ये नमक टेस्ट के अनुसार, और ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। इसमें मैं कटहर को फ्राई नहीं करी हूँ, क्योंकि फ्राई करने से पकने बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं इसमें कच्चा कटहर ही ऐड करूँगी, मगर खाने में बहुत ये टेस्टी लगता है। अब मसाले में कटहर को ऐड करके थोड़ा देर भूनूंगी, जब तक हमारा मसाला पक ना जाए, इसी तरह से भून ना जाए, तब तक मैं कटहर को डाल के ही मसाले के साथ भूनूंगी। हमारा मसाला देखिए अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते इसमें तेल भी छोड़ दिया है, और भूजते भूजते हमारा कटहर समझ लीजिए कि आधा गल गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं करना है, अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं उसमें, आपको ज़्यादा पतला खाना है ज़्यादा पतला ग्रेवी। ऐसे मेरे अनुसार तो कटहर में गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। तकरीबन मैं इसमें 2 कप पानी ऐड की हूँ। अब मैं इसमें बंद करके सीटी लगाऊंगी, तेज आंच पे 2 सीटी लगा लूँ। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे रखकर 6 से 7 सीटी लगाऊंगी। मैंने 6 से 7 सीटी लगा ली है, मेरा सब्जी पक गया है। अब मैं ढक्कन को खोलूंगी नहीं, भी जब पूरा भाप निकल जाएगा तभी मैं ढक्कन खोलूंगी। कुकर ठंडा हो गया है, अब मैं इसके ढक्कन को खोलूंगी। इसकी ग्रेवी है और हमारा कटहर भी बिल्कुल पक गया है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में खाली कर दिया सब्जी को। यस, अगर आप आपको हमारी सब्जी पसंद आए, हमारा रेसिपी पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा पेन है।